तो दोस्तों आज हम देखेंगे कार इंश्योरेंस, फर्स्ट पार्टी कार इंश्योरेंस क्या है, सेकंड पार्टी कार इंश्योरेंस क्या है, थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस क्या है, इन तीनों का हम देखेंगे। इसके जो डिफरेंट है वो भी देखेंगे कि फर्स्ट पार्टी में क्या आता है, थर्ड पार्टी में क्या आता है एंड सेकेंड पार्टी होता क्या है, इसमें थर्ड कार इंश्योरेंस आता क्या है, अगर हम इसको नहीं लेंगे तो होगा क्या, और अगर लेना है तो कौन सी कंपनी लेना है और कौन सी फर्स्ट पार्टी कार इंश्योरेंस लेंगे या थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस को लेंगे हम, एंड जीरो डिस्क्रिप्शन भी कार इंश्योरेंस क्या है वो भी हम देखेंगे, एंड बेस्ट कार इंश्योरेंस क्या है अभी एंड इसको कौन सी कार इंश्योरेंस हम लेंगे वो भी देखेंगे, एंड चीपेस्ट कार इंश्योरेंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, अगर लेंगे तो कौन सी चीप कार इंश्योरेंस लेंगे वो भी आज हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी एक रिक्वेस्ट कहूँगा, अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब के बाद बेल घंटे को दबा देना। तो चलिए दोस्तों पहले देख लेता हूँ कि हमको कार इंश्योरेंस टाइप क्या है एंड कौन सी कार इंश्योरेंस हमको लेना चाहिए। तो CI का मतलब है आप समझ लीजिए कार इंश्योरेंस, एंड कार इंश्योरेंस हम थ्री डिवाइडेड कर सकते हैं, जैसे पहला है फर्स्ट पार्टी कार इंश्योरेंस, एंड इसको फर्स्ट पार्टी क्यों बोलता है मैं आपको बता देता हूँ कि इसको फर्स्ट पार्टी क्यों कहता है, एंड दूसरा आता है सेकेंड पार्टी कार इंश्योरेंस, ठीक है दोस्तों, दूसरा आता है सेकेंड पार्टी कार इंश्योरेंस, तो सेकेंड पार्टी क्यों बोलता है इसको वो भी हम देखेंगे कि इसको सेकेंड पार्टी कार इंश्योरेंस क्या क्यों बोलता है। तीसरा आता है थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस, ठीक है दोस्तों, लेकिन इसको थर्ड पार्टी ही क्यों बोलता है वो भी हम देखेंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए पहले देख लेते हैं कि इसको फर्स्ट पार्टी क्यों बोलते हैं। दोस्तों समझ लीजिए आपके पास एक मोबाइल है जिसने आपने यूज़ किया है, तो आपका क्या होगा, ये फर्स्ट पार्टी आपने जिसको आपने सेल किया है इसके या किसी को बेच दिया है, तो वो अगर वो मोबाइल यूज़ करता है तो वो क्या होगा, ये होगा सेकेंड पार्टी, एंड सेकेंड पार्टी अगर किसी और को मोबाइल बेच देता है तो क्या होगा, ये हो गया थर्ड पार्टी। या मीन्स आपका पास कार इंश्योरेंस है तो आप ये फर्स्ट पार्टी जिसका नाम में कार इंश्योरेंस है। दोस्तों फर्स्ट पार्टी या आपका बेस्ट कार इंश्योरेंस या चीप कार इंश्योरेंस कौन से अच्छा है, तो ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जरूर चेक कर लेना, ठीक है। तो आप जिसका नाम पर कार है वो हो गया फर्स्ट पार्टी, वो कुछ अमाउंट पे करते हैं कार इंश्योरेंस को, तो कार इंश्योरेंस हो गया सेकेंड पार्टी, एंड कार इंश्योरेंस क्या करते हैं आपका अगर एक्सीडेंट वगैरह होता है तो वो पे करता है, इसीलिए उनका कहता है थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस, ठीक है। तो फर्स्ट पार्टी थर्ड पार्टी आपको समझ में आ गया, आपका पास एक कार है तो आप हो गया फर्स्ट पार्टी, आप जिसको पैसा पेमेंट करते हो थोड़ी सी, इससे बदले आपका कुछ डैमेज वगैरह हो गया या कुछ एक्सीडेंट हो गया तो वो किसी को और को पेमेंट करेगा, तो आपने जिसको पेमेंट किया है वो हो गया सेकेंड पार्टी, एंड सेकेंड पार्टी जिसको पेमेंट करेगा वो हो गया थर्ड पार्टी। तो दोस्तों चीप कार इंश्योरेंस एंड बेस्ट कार इंश्योरेंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक है, जरूर जाकर चेक कर लेना, ठीक है। एंड दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ अभी फर्स्ट पार्टी कार इंश्योरेंस होता क्या है, फर्स्ट पार्टी कार इंश्योरेंस क्या है एंड फर्स्ट पार्टी कार इंश्योरेंस में आता क्या है मैं आपको बता दूँ। फर्स्ट पार्टी कार इंश्योरेंस आप समझ लीजिए आपका कार है एंड आपने किसी को टक्कर मार दी, ये दूसरे का कार हो सकता है, किसी का प्रॉपर्टी हो सकता है, किसी ह्यूमन हो सकते हो, वो अदर्स एंड आप हो, यू यू का मतलब है आप, आपने किसी को मार दी तो आप में क्या होगा दोस्तों, आपका कुछ प्रॉब्लम आ गया या डैमेज आ गया, आपका कुछ नुकसान होगा, उनका भी प्रॉपर्टी का कुछ डैमेज हो सकता है एंड उनका भी कुछ नुकसान हो सकता है। इसमें होगा क्या दोस्तों, आपका जो भी आपका ही कार में नुकसान होगा फर्स्ट पार्टी कार इंश्योरेंस आपको पे करेगा आपका जितना कार में नुकसान होगा, लेकिन आपका आपने जिसको टक्कर मार दी उनका पेमेंट फर्स्ट पार्टी कार इंश्योरेंस में नहीं करेगा आपका, इसीलिए आपको लेना होगा थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस। तो थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस में भी हम देखेंगे, धीरे धीरे जाएंगे, आप ज़रूर वीडियो को लास्ट तक देख लेना प्लीज़, ठीक है दोस्तों। तो आपका जितना भी नुकसान होगा तो वो होगा फर्स्ट पार्टी कार इंश्योरेंस, आपका कार में जितना भी नुकसान होगा वो कार इंश्योरेंस फर्स्ट पार्टी प्रोवाइड कर देगा, फर्स्ट पार्टी कार इंश्योरेंस में प्रोवाइड कर देगा, लेकिन थर्ड पार्टी को नहीं करेगा। तो दोस्तों अभी फर्स्ट पार्टी कार इंश्योरेंस में और एक चीज़ आता है जो होता है जीरो डिस्क्रिप्शन कार, इनका अंदर और एक चीज़ होता है जो जीरो डिस्क्रिप्शन कार होता है, ठीक है दोस्तों। जीरो डिस्क्रिप्शन कार आता है फर्स्ट पार्टी कार इंश्योरेंस के अंदर, जीरो डिस्क्रिप्शन कार होता है। आपको अगर जीरो डिस्क्रिप्शन कार लेना है, कार इंश्योरेंस लेना है, तो फर्स्ट पार्टी कार इंश्योरेंस को लेना ही है क्योंकि इनका अंदर ही आता है। दोस्तों फर्स्ट जीरो डिस्क्रिप्शन कार इंश्योरेंस होता क्या है, आपका समझ लीजिए कुछ टायर्स है, कुछ ग्लासेज है आपका कार में, एंड आपका वहाँ पर आप समझ लीजिए आपका
तो दोस्तों कुछ पार्सेस होता है, जैसे ए समझ लीजिए ए क्या है आपका, कुछ पार्सेस है जैसे इस टायर हो सकते हैं, कुछ ग्लासेस हो सकता है। तो पर ईयर आप समझ लीजिए 20% ए डैमेज होता है उनके कंपनी के हिसाब से। तो आपको क्या होगा अगर उस पार्सेस का आपका कॉस्ट, अगर उस पार्ट्स का कॉस्ट आपका समझ लीजिए 100 रुपया होगा, तो आपको समझ लीजिए 20% कट करके आपको 80 रुपया पे कर दिया जाएगा। ठीक है, 80 रुपया पे कर दिया जाएगा। लेकिन ये हो गया फर्स्ट पार्टी कार इंश्योरेंस का प्रोसेस कुछ कुछ पार्सेस के लिए। लेकिन आपका अगर जीरो रजिस्ट्रेशन कार आप ले लेते हो, तो आपको 100 रुपये में 100 रुपये ही मिल जाएगा, आपका कुछ काट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट पार्टी कार इंश्योरेंस आपको चूरे अगर आपका कार रबरी हो जाए या चूरी हो जाए, तब भी आप इस कार को डैमेज दे सकते हो। ठीक है, इसका कंप्लेन दे सकते हो, एंड इससे आप पैसा भी आप इजी ले सकते हो। एंड अब अगर आते हैं सेकेंड पार्टी कार इंश्योरेंस होता क्या है दोस्तों, एंड सेकेंड पार्टी कार इंश्योरेंस किसको बोलता है एंड क्यों लेना चाहिए, तो हम इसको सेकेंड लिख देते हैं दोस्तों, सेकेंड पार्टी। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है, तब भी दोस्तों मैं आपको ड्राइंग कर देता हूँ, कोई आपको समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सेकेंड पार्टी, सेकेंड पार्टी समझ लीजिए मैं आपको बता देता हूँ। ए हो गया सीआई, सीआई हो गया सेकेंड पार्टी, इसका मतलब है कार इंश्योरेंस। कार इंश्योरेंस जो भी कंपनी है वो हो गया सेकेंड पार्टी। आपको और कुछ की क्योंकि कार इंश्योरेंस को आपको पे करेगा, आप पे करोगे कार इंश्योरेंस को, एंड कार इंश्योरेंस पे करेगा कोई तीसरे पार्टी या तीसरे को, इसीलिए इनको सेकंड पार्टी माना जाता है, और कुछ नहीं दोस्तों सेकंड पार्टी कार इंश्योरेंस में। ठीक है, एंड आते हैं थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस में, जो सबसे एक्चुअली लेना चाहिए। अगर आप थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस नहीं लोगे, तो गवर्नमेंट के हिसाब से आपको चालान भी कट सकता है। एंड आपको मैं बता देता हूँ, गवर्नमेंट के रूल्स हिसाब से आपको थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस लेना ही लेना है। अगर आप नहीं लोगे तो आपका चालान भी कर सकते हैं, अगर आप रोडवे में चलोगे तो। थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस क्या है एंड क्यों लेना है और कौन सी कंपनी से लेना है, चलिए देखते हैं। तो ए हो गया समझ लीजिए आप, इसका मतलब यू, एंड ए हो गया अदर, जिसको आपने टक्कर मार दी। ये किसी का प्रॉपर्टी हो सकते है, किसी ह्यूमन हो सकते है, किसी का गाड़ी हो सकते है, एंड इसमें कुछ खर्च आ गया या डैमेज हो गया आपका कार में, यानी इसका भी प्रॉपर्टी में डैमेज हो सकता है। इनका जो भी है कार इंश्योरेंस होता है ह्यूमन, सॉरी कार होता है ह्यूमन होता है, एंड किसी का प्रॉपर्टी हो सकता है, आपने किसी को टक्कर मार दी, इसका भी कुछ नुकसान हुआ, आपका कार को भी कुछ नुकसान हो गया। ठीक है, थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस होता क्या है दोस्तों, आपका जो भी आपने जिसको भी कार का टक्कर मारी, उनका कार का जो भी नुकसान होगा, आपने जिसको टक्कर मारी दोस्तों ध्यान से समझ लेना, आपने जिसको टक्कर मारी उनका कार का जो भी नुकसान होगा वो थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा कार इंश्योरेंस कंपनी के तरफ से। लेकिन एक कोट के हिसाब से होगा, अगर आपका ड्राइवर या आपने कोई भी ड्रिंक पीकर आपने गाड़ी चलाया है, तो वो कोई भी पैसा नहीं देंगे। एंड आपने अगर ड्रिंक पीकर गाड़ी नहीं चलाया है, सब कुछ सही है, तो थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस आपने जिसको टक्कर मारी उनका सभी पैसा देगा, वो कोर्ट के हिसाब से आपको देगा। लेकिन आपका कार का जो भी नुकसान होगा ये होगा फर्स्ट पार्टी कार इंश्योरेंस के अंदर, फर्स्ट पार्टी कार इंश्योरेंस में आपको ये मिल जाएगा दोस्तों। एंड आज अभी हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्टी कार, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस को हम बता दिए, तो बेस्ट कार इंश्योरेंस कौन सा है एंड चीपेस्ट कार इंश्योरेंस कौन सा है हम लेंगे, तो कौन सी कार इंश्योरेंस लेंगे एंड नहीं लेंगे तो क्या होगा दोस्तों। मैं नहीं लेंगे तो आपको मैं बता देता हूँ कि थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस आपको लेना ही है, अगर आप नहीं लोगे तो आपको चालान भी कर सकते हैं। ये इंडियन रूल्स के हिसाब से आपको थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस अगर आपका कार है तो आपको ज़रूरी लेना है। ठीक है, तो आप बेस्ट कार इंश्योरेंस कैसे पहचानेंगे एंड कार इंश्योरेंस क्यों लेंगे, चलिए मैं आपको थोड़ी सी नॉलेज देता हूँ। जो कार इंश्योरेंस पीए अच्छा है, पीए ठीक है, एंड डैमेज कवरेज अच्छा है, ठीक है, एंड आपका जो भी रेशियो होता है वो रेशियो अच्छा है,
अगर ये तीनों आपका अच्छा है तो वो कार इंश्योरेंस अच्छा है, लेकिन आपको अमाउंट देख लेना है, ठीक है। आपको अमाउंट देखने के बाद ये तीनों देख लेना है कि हमको पर मंथ कितना पे करना है, उसके बाद ये तीनों सही है या नहीं है। अगर इस तीनों सही है तो आपको वो कार इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। एंड चीपेस्ट कार इंश्योरेंस कौन सा है दोस्तों? चीपेस्ट कार इंश्योरेंस के लिए मैं बता देता हूँ आपको, जो भी बेस्ट एंड चीपेस्ट कार इंश्योरेंस है, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक मिल जाएगा आपको, ज़रूर आप उस वेबसाइट में विजिट कर लेना। एंड विजिट करने के बाद आप ज़रूर आप देख सकते हो कि चीपेस्ट एंड बेस्ट कार इंश्योरेंस कौन सा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।